सलाम अलैकुम, की हाल चाल है प्यारे मैंने भाइयों दे। ते वर्दी वुर्दी पा ली है, स्कूल वास्ते तैयारी कर ली है। ते अम्मी जी नाश्ता बनाई बैठे, नाश्ता करके जाऊँ स्कूल, पहले लेट हो गई। बना रही है सुबह सुबह परोठे, ते आज कल्ले परोठे ने ते नाल आ गई चाय। बेच भाइयों के कमेंट आए सी के कावा नहीं बनाना, असी क्या चलो ठीक है नहीं बनाते जी, खुशकी करता है। तो मेरी रोटी जी बन गई है, मेरे स्कूल वास्ते जल्दी आ, जल्दी जल्दी नाश्ता करके जान लगे। मैं जी इत्थे अपनी रोटी लैके आके बह गया, चाय नाल मैं करना नहीं नाश्ता, क्योंकि मेरी फेवरेट तो कावा ही है ना, क्योंकि मैं कावे नहीं शुरू तो करता आ रहा नाश्ता, मेरे को चाय ना नहीं खाया जाता। अम्मी जी और चाह शू ना कर लवनगे, मैं जल्दी जल्दी एवं खा के चले जाना, नाल उतो अचार लवन गलिया स्नैन अचार लैके आ जाता, अचार ना खा लाँगा। अबू जी भी तैयार हो गए ने, मैं तो पहले तैयार बैठा सी, बस इन्हों की कमी सी, तो हूँ जान लगे हैं जी। बाकी तो विलोग अम्मी बनाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करनी है कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो मैं भी अल्लाह फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। मोहम्मद हसन जो है वो तो चला गया है स्कूल अपने पापा के साथ, तो बाकी दे बच्चे जो है वो मैं तैयार कर लेने, बच्चे जाने लगे स्कूल, स्कूल बच्चों को भेज के तो उसके बाद मैं बनाऊंगी व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो पूरा देखना, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो पहले तो भी आज ज़बरदस्त बनने। तो बच्चे हो गए तैयार, बच्चे जाने लगे स्कूल, प्रीशा फातिमा भी तैयार हो गई, तो मोहम्मद हसनैन भी तैयार हो गया, तो ये है ईमान फातिमा, तो आए अल्लाह रखा है, तो नूर फातिमा मेरे कोल खड़ोती है, वेखो मेरे नाल आखने लगी है कि मैनू क्रीम लाओ, मैं लानी है। ते बच्चे चले गए स्कूल, ते बच्चे नु हो गए सारे, ते हुण मैं झाड़ू फेरने लगी हां। साडे गांव में ते झाड़ू ऐसा फेरा जाता, पता नहीं तुसी उत्थे शहर च किस तरह फेरदे ने, ते के साडा झाड़ू किवें होवेगा। असीं कई झाड़ू ना फेरने आ, इस तरह सफाई करने आ, जिस तरह तुसी वेख रहे ने, साडे गांव दी रूटीन ते आ है, साडे साडे शहर दी रूटीन किस तरह दी होवेगी। झाड़ू फेर के तो बाद तपड़ी फेरेंगे, वो भी तुम भी खावे, गांव की तपड़ी कैसे फेरी जाती है। झाड़ू मैंने फेर लिया, झाड़ू से हो गए फारे, हम मैं तपड़ी फेरन लगी हूं। साडे गांव में तो तपड़ी इस तरह फेरते, पता नहीं तुहाडे शहर किस तरह फेरते हो। साडे गांव का रूटीन तो यह है तपड़ी फेरन का, ना असि तपड़ी इन्हे ना फेरने, पता नहीं तुम किस चीज ना फेरते हो तपड़ी। मैं झाड़ू भी फेर लिया, ते तपड़ी भी फेर ली, तो हम मैं धोने लगी हूँ बर्तन, बर्तन धो के ते उस तो बाद मैं धोऊंगी कपड़े, घर के काम जो सारे मैं संभालने पाते, तो मैं की करा, एक जेणिया के काम ज्यादा ने, ते आज काम वाली काफ़ी सारे पैने जो बाकी भी मैं करने, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिस इस तरह करूँगी, गाँव का रूटीन जो है वो पूरा आपको दिखाऊंगी, गाँव वाली औरतों जो हैं वो किस तरह काम करनी है करती हैं, तो कितनी जिम्मेदारी औरतों से होंगी। तो बाकी का काम जो है वो मैंने कर लिया, हो गई हूँ घर के काम सारे सारे, तो हूँ मैं धो रही हूँ कपड़े, आपको दिखाऊंगी गांव में कपड़े कैसे धोए जाते हैं, हमारे गांव का रूटीन कपड़े धोने का की है। सरा पहले बेल है, पानी के बिच पाइए, सरा सरा पा के बाहर पा देते, डबो डबो के कटी जावगी, तो बुरश मार के सटी जावगी, क्योंकि मशीन तो कपड़े धोने मेरे को है कोई नहीं, तो हाथ ना ही धोने, अज अल्लाह पाक दे शुक्र है कि कपड़े धोने वाले हैं थोड़े माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आ गया स्कूलों वापस, ते आज थोड़ा जे लेट हो गया, चाचू नवाज ने गप्पा गुप्पा लान बह गए सी, ते अज तुहानू खुशखबरी देनी आ,
वो अगे दिन जाके विखाने कि अज कि खुशखबरी है। प्राइज ये है जी, आज ये तुम जगह वेख रहे हो, इतने बना लगी अम्मी किचन चाचू ने छोड़ दिते ने, तो उन्होंने कहा कि मेरी सीट तुसी संभाल लो। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਪਏ ਉਹਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। रोजाना तुहानू विखाया करांगे कि अज इन दित्ते इतना काम हो गया। मैं तो जी पहले ना के ना किवें जी आकड़िया जिहा खोता सी, ठंड लगी जा रही सी, ते अम्मी ने कहा तूड़ी लैणी, ते मैं कि चलो लै आने आ, खुशी दी गल है, किचन बन रहा तो थले ना पानी बच्चे डोली रखते ने, डोली रखते ने, बहुत गंदी जगह हो जाती जो सुबह नाश्ता करीदा। अम्मी जी भी तैयार हो गई ने, अम्मी ने तूड़ी वास्ते बोरी भी तैयार कर ली, तो कपड़ा जिहा सीगा छोटे दादू और हैगा मिलाद वाले दिन लाया सी, बिच रोटी लाया सी, वो वाला। चलो जी चलिए फिर, जफा पाई घरों निकल गए जी, असी जा रहे हैं दादू दे खेतों की तरफ, तो खेतों के बिच ही तूड़ी दी एक डेरी जी लाई हुई है, उतों लै आवेंगे, पता नहीं उतों मिलती भी है कि नहीं। कह रही है आप कोई ना हो तो फिर आप किसी और दोस्त को ले आवे। देखो जी आ साग के खेत ने किन्ने प्यारे ने, नाल ही कमान खोता इधर पिछे बड़ा खुला कटिया हुआ इन्होंने, हाँ हर तरफ अजकल साग ही साग है, साग तो छाया पिया ना। मैं कहना इन्हों पेंडुआ का देसी कुक्कड़ होता जी, दादा जी के खेतों च आ गया जी, हम देखने थोड़ी लगती कि नहीं, मैं तो नहीं लगता कि होगी, लेकिन अम्मी कह रही है पूरा यकीन है कि वही है तेरे खाते को, क्योंकि पैंसा ने ना तो पैंसा के चारे चर लाते ने। बच्चे घर वास्ते शॉपिंग कर के कोई जा रहे समान वगैरह ले रहे हैं, इतनी कोई दुकान है दो तीन घर में दुकान। बाकी दादा जी के आलू बड़े वी आई पी खोते ने, देसी खोता देसी साग, वो दूसरे तो फार्मी ही होंगे ने, जो उदो असी बनाया से फार्मी समझ लो, क्योंकि देसी साग जोड़ा बिल्कुल पूला पूला के पत्ते होंगे, हाँ वो चिट्टी सरे होंगे, ये देसी साग है देसी बिल्कुल प्योर पी है देसी, बन गया दादा जी दे बिजली दे। सामने आ गई चोरी जी कर लवाने लग गया वो उधर ही पिया सी, लेकिन इतने मिल गया, चलो मैं इतों ही लै जाना, हाथ कोई नहीं लाया, हाँ बंद पिया अली तक, ये कुछ पिया हुआ सी, दादे ने कहा चलो यही लै जाओ। तूड़ी ना बोरी भर ली है, दादा जी छलियां इतने खिलिया हुई ने, सुकदियां पईयां ने, बाकी है कोई बारक रखी हुई जो सुक गई भरती ने। मैं इतने आवा तो एक चीज बड़ी पसंद आती है, खरगोश और है मेरी फेवरेट इतने चीज यही आती है, मैं लैके नहीं जाता, घर ही लैके जान देता दादा, लेकिन मेरे को उत्थे पाले नहीं जाने, इत्थे वेखो खुली जगह हैगी।
ਬਾਹਰਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸਨੈਨ ਬੈਗ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਨੈਨ ਬੈਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਪਾਲਾ ਕੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਪਾਲਾ ਕੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਣੇ ਗੱਡੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸੂਰਜ ਲੈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਨਾ ਕਿ ਨੂਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਬਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨਸਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਤਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਕੇਟ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕ ਡੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਓ 1000 ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਾਓ 'ਚ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਾਓ ਵਕੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਓ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਖੋਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੰਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਟਰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਲਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਲੋਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ